नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये वीडियो के जरिए व्हाट इज मैगर उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, मैगर जो एक है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्टर है, और उसको हम लोग ओम्स मीटर भी बोलते हैं। और मेगर एक कंपनी का नाम भी है जो मेगर बनाती है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग इनिशियली ले ले तो आयर भी बोलते हैं, और जनरली हम लोग प्रैक्टिकली आयर वैल्यू वर्ड्स यूज करते हैं। तो दोस्तों, मेगर जो है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने का काम करता है, यानी कि जो कंडक्टिव पाथ है उसका और उसके ऊपर उसके डिस्टेंस के जो बीच में डिस्टेंस रहता है इंसुलेशन का, वो रेजिस्टेंस मेजर करने का काम मेगर करता है। और वो मेगर के जरिए हम लोग वो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं कि कितना मेगा ओम का या किलो ओम का रेजिस्टेंस इसके बीच में है, कंडक्टिव पाथ और उसका इंसुलेशन के बीच में। मेगर दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, एक एलटी मेगर और दूसरा एसटी मेगर। एलटी मेगर जो है वो गया वो लो ट्रांसमिशन, और एचटी हाई ट्रांसमिशन। ये दो प्रकार के मेगर होते हैं। कभी कभी हम लोग उसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, एलवी मेगर और एचवी मेगर। एलवी का मतलब हो गया लो वोल्टेज और एचवी का हाई वोल्टेज। तो दोनों सेम वर्ड से एलटी एचटी मेगर बोलो या एलवी एचवी मेगर भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एलवी मेगर के बारे में बात करने वाला हूं। एचवी मेगर के बारे में हम लोग दूसरा सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। तो जो एलटी मेगर है या एलवी मेगर है, वो हमको मार्केट में 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट एंड 1000 वोल्ट दो प्रकार के मिलते हैं वोल्टेज कैटेगरी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो दो प्रकार के वोल्टेज कैटेगरी के मेगर जो है उसका काम जो 440 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसमें यूज होता है, और जनरली केबल्स में हम लोग 1000 वोल्ट का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एलटी जो है उसका 440 या 500 वोल्ट या 600 वोल्ट का इलेक्ट्रिकली डिजाइन होता है। जो थ्री फेज है उसमें 440 वोल्ट है, जैसे कि आप जानते हैं। सिंगल फेज में 220 वोल्ट होता है, लेकिन हम लोग कभी भी 220 वोल्ट कैटेगरी में जो आता है उसको मेगर नहीं करते हैं, क्योंकि मेगर जो है वो 500 वोल्ट जनरेट करता है और 1000 वोल्ट जनरेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों अलग अलग है वोल्टेज कैटेगरी। और आपका सिंगल फेज 220 वोल्ट है उसको आप कभी भी मेगर मत करिएगा। और कभी कभी कुछ लोग मेगर को कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी मेगर का यूज कंटिन्यूटी टेस्टर में नहीं करना है, क्योंकि उसमें जनरेटिंग वोल्टेज जो है वो डीसी वोल्टेज है और 500 वोल्ट होता है। तो दोस्तों, आप कभी भी कंटिन्यूटी टेस्टर सिंगल फेज में जो है वो यूज नहीं करना है। कंटिन्यूटी टेस्टर यानी कि उसको हम मल्टीमीटर से भी जानते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सेपरेटली वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा।
तो दोस्तों हम लोग मेगर जब भी करते हैं तब भी 220 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज के ऊपर जो भी इक्विपमेंट आता है उसमें करते हैं। और मेगर जो है उसमें 500 वोल्ट डीसी जनरेट होने के लिए दो प्रकार के मेगर मिलते हैं, उसमें एक बैटरी ऑपरेटेड भी रहता है और दूसरा मैन्युअली। ये दो प्रकार के हमको मार्केट में मेगर मिलता है दोस्तों। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं तो हम लोगों को 1000 ओम मिलता है, तो हमको उसमें नहीं चलाना है कोई भी इक्विपमेंट हो, उसमें आपको उसका पूरा मतलब फुल फाइटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ओम्स यानी कि कहीं ना कहीं आपका इक्विपमेंट से लीकेज करंट है। जैसे कि उसका सिस्टम मेजर करने का यह है कि आपको मिनिमम 60 सेकंड्स या तो 1 मिनट तक आपको आपका इक्विपमेंट में जब भी मेजर करते हैं तभी उसको चार्ज करना होता है, और या तो आप 1.25 मिनट्स भी मेगर कंटिन्यूस रख के चार्ज करेंगे तभी वैल्यू लेंगे तो आपको सही वैल्यू मिलेगी दोस्तों। बट हम कभी कभी मेगर करते हैं तभी टाइम देखते ही नहीं है और कभी गलती हो जाती है। दूसरी बात कि मेगर करने के टाइम पे कभी कभी हमारा इक्विपमेंट हम लोग हेल्दी नहीं है, वो पता नहीं चलता है मेगर का, तो करते हैं तभी आपको उसका जो भी इक्विपमेंट का टर्मिनल है और प्रोब है दोनों को अर्थ के जरिए डिस्चार्ज करना ना भूले, क्योंकि अगर डिस्चार्ज नहीं किया है और मेगर में कुछ भी ऑटो डिस्चार्ज नहीं है तो आपको शॉक लगने का चांस है। तो ये जब भी आप मेगर करते हैं तभी याद रखें, ऑलवेज उसको अर्थ के जरिए डिस्चार्ज करें। मेगर की सही वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 ओम इज ए बैड वैल्यू, और 2 मेगा ओम और इसके ऊपर जो भी वैल्यू आता है 100 200 500 या तो इन्फिनिटिव जो भी मिलता है आपको तो वो गुड वैल्यू मानी जाती है, और 2 मेगा ओम के नीचे भी जो भी वैल्यू आपके मिलती है तो वो बैड वैल्यू है। तो जब भी आपको कोई इक्विपमेंट की बैड वैल्यू मिलती है तभी क्या करोगे? तो दोस्तों जब भी मिलती है तो आपको उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कभी कभी रेनी सीजन में मॉइस्चर आ जाता है तो मॉइस्चर के जरिए आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो डाउन हो जाता है, तभी आपको उसको दूसरा तरीके से यानी कि हीट देके आपको उसका मेगर वैल्यू इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कभी भी आप 2 मेगा ओम से ऊपर नहीं आता है, 2 मेगा ओम के नीचे आता है तभी कभी भी उसको आप चलाने का नहीं है। जब तक 2 मेगा ओम के ऊपर नहीं जाता है आपको इक्विपमेंट को स्टार्ट नहीं करना है, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं जल जाने का पूरा चांस है। तो दोस्तों ये मेगर वैल्यू जो है एलटी का उसको कभी कभी आप केबल लेइंग करते हैं तो केबल लेइंग का एलटी का रेटिंग जो है वो 1100 वोल्ट है, तो आप उसमें 1000 मेगा ओम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर यानी कि मेगर को यूज करें ताकि आपको उसकी सही वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैंने आपको मेगर वैल्यू व्हाट इज मेगर एंड मेगर वैल्यूज टाइप्स ऑफ मेगर्स उसके और उसकी वैल्यू सही क्या है और गलत क्या है वो बताया। जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें कौन सी
वैल्यू मेगर वैल्यू को सही माना जाए या तो उसकी फॉर्मूला जो है उसको आप देखा होगा, वो सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया था। तो आज मैं यहाँ पे ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तभी आपको नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।